हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे कोई भी बनाकर आसानी से तैयार कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप घी। हमने देसी घी लिया है, ये देखिए। हम 1 कप घी को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। बेसन की बर्फी बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में, ये देखिए। जब तक हमारा घी मेल्ट हो जाता है, ये हमने बेसन लिया है छान कर, हमने 2 कप बेसन लिया है। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर 2 कप बेसन की डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। घी के अंदर अच्छे से बेसन को मिक्स कर दें। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये इसकी। अगर आपका गाढ़ा हो जाता तो आप इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाना, इस बात का ध्यान रखें। ये हमने चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी ली है। 1.5 कप चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं अगर आपको कम मीठा पसंद है। और ये हमने 2 कप पानी लिए हैं। ये देखिए, हमारा बेसन को करीब 5 से 6 मिनट हो गए पकते हुए। इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं, ये देखिए। बिल्कुल भी नीचे नहीं लगाइए, अगर हम इसको बीच में चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा ये नीचे से। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। एक तरफ हमने चाशनी चढ़ा दी है। चाशनी बनाने के लिए हमने आपको बताया था पहले ही, 1.5 कप हमने चीनी ली है और 2 कप पानी लिए हैं। ये देखिए, चीनी घुल चुकी है पानी के अंदर। अब हम इसके अंदर 2 पिंच येलो फूड कलर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। हम चाशनी को एक तार की पकाएंगे। हम चाशनी को हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए, हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा। हम इसमें ठंडा करके ही इसके अंदर चाशनी डालेंगे, गरम गरम में चाशनी नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है, ये परफेक्ट है, ये एकदम पक चुका है। आप इसी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा जब ये पककर तैयार हो जाएगा, ये घी छोड़ देगा बेसन। ये देखिए, हमारी चाशनी पक चुकी है, 1 तार की हो चुकी है, हल्का सा तार बनेगा इसके अंदर। और अब हम सारी चाशनी को बेसन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। ये बेसन की बर्फी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए चला लेंगे, बस ज़्यादा नहीं चलाना। ये देखिए, थिक हो चुका है, हमारी बर्फी तैयार है। अब हम इसको सेट करने के लिए किसी प्लेट पर निकाल लेंगे। प्लेट पर पहले घी से ग्रीस कर ले अच्छे से, और अब हम इसको अच्छे से डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी बर्फी, बेसन की बर्फी बनी है। अब हम बेसन की बर्फी कट करेंगे। हमने साइड से निकाल दिया था इसको। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मुँह में जाते ही घुल जाएगी। अगर आपको हमारी ये सुपर
सॉफ्ट रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस दिवाली पर आप बेसन की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके सभी फैमिली मेम्बर को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।